हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये टाटा 2.5 टन 715 DC का रियर का हब कप है। इसमें ये हब कप है और उसके अंदर बैरिंग अक्सर जो है जाम हो जाती है। आपने देखना क्या है इसके अंदर जाम हो जाती है, क्यों? हम जब भी जोड़ते हो जाम हो जाती है। थोड़ी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस बैरिंग देख रहे हो, ये रिंग हमेशा क्या है, ऊपर होनी चाहिए। ये हमेशा उठी होनी चाहिए, उसके बाद ये बैरिंग फंसाना। अगर ये नीचे को बैठ गई उसके बाद बैरिंग को अगर डाल दी तो वो हब देख रहे हो उसके अंदर कभी भी ये हब नहीं बैठेगा, ना बोल्ट कसेगा। कसेगा तो एक बोल्ट कसेगा, दूसरा बिल्कुल भी नहीं कसेगा। तो कभी भी करना है, ये जो रिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ऊपर उठ रही, पूरा ऊपर कर लेना है। इसके बाद बैरिंग लगाना, ये देखो मूव हो रही है, मूव हो जाए कुछ भी है ऐसे डाल दो, एकदम अंदर घुस जाएगी। ये हिस्सा है, ठीक है, अगर ये मूव हो रहा है ऊपर नीचे ऐसे तो देख लो 100% फंस जाएगा। अगर ये मूव नहीं हो रहा है, जाम हो गया किसी भी कंडीशन, तो उसको बाहर निकालो फिर दोबारा लगाओ, ठीक है? ओके, ये देखो पड़ गया, धक्का मार दिया आराम से। ये देखो प्ले है इसमें, हाँ। जो है प्ले हो जाएगा, हाँ। ये और ऊपर से टीथ ही पता चलता है कितने अंदर, दोनों नट कसेंगे या नहीं कसेंगे, फर्स्ट क्लास। ये देखो टीथ है, ये देखो प्ले है, ये देखो प्ले है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो दिख रहा होगा, तो हिलना चाहिए बिल्कुल, आगे पीछे होना चाहिए। ये देखो हो रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको, देखो